हेलो एवरीवन, तो आज हम लेके हैं आपके लिए अल्डा ब्रांड की ओर से थ्री प्लाई का सास पान, जो कि ग्लैम की ब्रांड है एक्चुअली। ये इसमें अल्डा नेम दे दिया। इसमें है थ्री प्लाई कुकवेयर, जो कि फूड ग्रेड स्टील है, एंड इसमें मिलती है थ्री लेयर की स्टील। पूरा रिव्यू में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है 14 सेंटीमीटर का टी पान, जिसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो इसमें है वन लीटर का ये टी पान, इसमें 1 लीटर की क्वांटिटी आ जाती है। एंड इसमें मिलता है डबल रिवेटेड हैंडल, जो कि एकदम आपको ग्रिप एकदम स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड इसमें टूटने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, हैंडल एकदम मजबूत टाइप दिया हुआ है। नॉर्मल जो सास पान होते हैं, सबसे पहले जो दिक्कत आती है सास पान के हैंडल में आती है, जब भी हम इसको यूज़ करते हैं स्क्रू वगैरह लूज हो जाता है, टूट जाता है, यानी कि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करता है। इसमें ऐसा कुछ भी आपको नहीं होगा। थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा बहुत कॉस्टली है, लेकिन क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि नॉर्मल ब्रांड है, जैसे कि ब्रेगनर, उसकी हम बात करें तो इससे भी बहुत कॉस्टली, ऑलमोस्ट डबल रेट है। लेकिन थ्री प्लाई में सिपेस्ट ब्रांड एंड क्वालिटी एकदम बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए ये। एंड इसकी क्वांटिटी की बात करूँ तो मैंने बताया कि 1 लीटर इसकी क्वांटिटी है। एंड इसमें थ्री प्लाई के मटेरियल यूज़ किया है। थ्री प्लाई में क्या क्या यूज़ किया हूँ आप देख सकते हैं, इधर बॉक्स में दे रखा है। तो बॉक्स में देख सकते हैं आप, सबसे अंदर की तरफ जो स्टील यूज़ किया हुआ है 304 ग्रेड फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील है, जो कि इंटीरियर अंदर वाला है। सेंटर में एल्यूमिनियम का लेयर जो बाकी ब्रांड में मिलता है, इसमें अच्छा कुछ नहीं। इसमें मिलता है रैपिड हीट डिफ्यूजिंग कोर, जो कि एकदम हीट इवन करता है, जो कि चारों तरफ एक समान हीट करके आपका खाना को कुकिंग करता है। एंड सबसे लास्ट वाला कोर जो कि बार वाला है, वो इंडक्शन कंपेटेबल के लिए 430 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं, जो कि आपका इंडक्शन हाइलोजन किसी में भी आप बड़े आराम से जो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है उस तरह का कुछ पान यूनिक। एंड फिनिशिंग की बात करूँ तो बाहर मिलती है आपको ग्लॉसी फिनिश, अंदर मिलती है आपको मैट फिनिश, एंड नीचे अल्डा की ब्रांडिंग दे रखी है, एंड मेड इन इंडियन प्रोडक्ट है ये, एंड बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। एंड इसके वजन की बात करूँ तो इसका जो 630 ग्राम इसका जो है ओवरऑल वेट है इस टी पान का, एंड बाकी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया एंड शानदार तरीके से वाइड वगैरह एकदम शानदार तरीके से बनाया हुआ है। ये आप डिशवाशर में वगैरह क्लीन कर सकते हैं बड़े आराम से। एंड यूज़ करने से पहले अगर आप ख़रीदते हैं तो इसके पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, वो आप पढ़ के यूज़ करना ताकि आपको कुछ परेशानी ना हो। एंड ये उस तरह का कुछ सास पान है। एंड इसके प्राइस रेंज की बात करूँ तो 1390 मार्केट MRP है, जो कि आपको बेस्ट टू बेस्ट डिस्काउंट में मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। सेम मॉडल में आपको कढ़ाई चाहिए, फ्राइंग पैन चाहिए विथ लिड, इसमें सेम मॉडल में अगर आपको विथ लिड सास पान चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर उसको भी परचेज कर सकते हैं। अब करते हैं हम 16 सेंटीमीटर के बारे में। तो ये है कैपेसिटी की बात करूँ तो 1.4 लीटर, ये भी इससे भी थोड़ा और वाइड है, एंड क्लीनिंग करने के लिए काफ़ी ईजी। आपको स्टेनलेस स्टील की बात करूँ तो सेम टू सेम स्टेनलेस स्टील है, जो कि 304 ग्रेड का है अंदर की तरफ का, एंड ये भी मेड इन इंडियन प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं हैंडल कुछ यूनिक तरीके है, रिवेटिंग आपको स्टेनलेस स्टील का देखने को मिलेगा, जो कि बेस्ट तरीके का क्वालिटी बनाया हुआ है। तो देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का है। एंड इसके ओवरऑल वेट की बात करूँ तो ये है 800 ग्राम इसका वेट। एंड इसकी MRP प्राइस की बात करूँ तो 1590 इसके MRP प्राइस है, जो कि बेस्ट टू बेस्ट 15-20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसका भी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड ये कुछ इस तरह का, ये भी आपको थ्री प्लाई का टीपान है। इसमें आपको छिपकने की वगैरह बिल्कुल नहीं हुई, इसमें जो आप मिल्क वगैरह बनाते हैं कोई कोई टीपान में चिपक जाता है, तो इसमें वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एंड बेस्ट क्लीनिंग ऑप्शन है। तो आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आए, पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।